हेलो फ्रेंड्स, मु गौतम। आपण देखुंत ऑल इन एजुकेशन चैनल टी सब्सक्राइब करूँ और पाखे बेल आइकन को निश्चित प्रेस करूँ लेटेस्ट वीडियोस अपडेट पाइबा। हेलो टीचर फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू योर फेवरेट चैनल ऑल इन एजुकेशन बॉन्ड टू एजुकेट को। फ्रेंड्स, आपंपाई मुझे फास्ट मॉड्यूलटी थी करिकुलम एंड इनक्लूसिव क्लासरूम तार कि क्वेश्चन मुझे डिस्कसन करी आपंक सहित। आज मुझे बर्तमान यही भिडियो देवी जो आपंकर रही पीएसक्यू पर्सनालिटी एंड सोशल क्वालिटीज। तार देखो ये जो क्वेश्चन गुड़िक रोन तर कि क्वेश्चन पाई आपण क्विज्रे जो मुझे क्वेश्चन गुड़िक डिस्कसन करी आपंकर इंग्लीश लैटर इंग्लीश लांगुए इंग्लीश रोज कि सहित मुझे ओडिया डिस्कसन करी आपको बुझापी पीएसक्यूटा कौन और कमी पीएसक्यू अफेक्ट करुच्च टीचिंग लाइफ आपंकर टीचर हिसाब से आपंकर पीएसक्यूटी कौन पर दरकार। चलो तो आरंभ करदे। देखो फ्रेंड्स, एटी जो आम रही आपंकर प्रथम क्वेश्चन टी रही आप देखिपे टीचर कैन कम्युनिकेट जेन्युइन कंसर्न एंड इंटरेस्ट टू स्टूडेंट्स बाय। देखो जो आप चार मल्टीपल हिसाब नौ आपको ऑप्शन को काटिया चेस्टा करूँ तीनो काटिदे आप चार नंबर आंसर पाइबे। ओके, तेणु ये जो क्वेश्चन टी रही आपंकर गोटे जन शिक्षक स्टूडेंट सहित प्रकृत विषय केमी सहित कम्युनिकेट करें केमी सहित कथापर इच्छा एवं प्रकृत विषय जानापी नॉट क्वेश्चनिंग देयर एक्शंस। ओके, यहाँ भी ठीक हो पाए कहीं डायरेक्ट आम क्वेश्चन करें कौन हो पार्चे यहाँ कौन कहीं कलु यहाँ सेमती कलु आम बुले बंगे पचारे चेस्टा करा गिविंग द प्रिफरेन्स इन एक्टिविट एक्टिविट प्रिफरेन्स देवे यहाँ भी ठीक हो पार लेटिंग देम हाव देयर वे अलवेज तर रास्ता अर्थात स्टूडेंट रास्तार जो भाई अच्छा से भाला छाड़ देव एटा भी ठीक हो पाए मेकिंग आई कंटाक्ट लगे कि आम कहीपर ना सी तार आम पचारिपरना कि कम्युनिकेट करना तेल चार नंबर अप्सन आम काटिदे आमको तीनो अप्सन आम पचार पड़ो जी आमको नट क्वेश्चनिंग देर एक्शन कार्य विषय में पचार ठीक हम ना गिविंग देम प्रिफरेन्स इन एक्टिविटीज एक्टिविट प्रिफरेन्स दवा दे आम जापर तर कनसर्न और इंटरेस्ट कौन रही जेन्युइन कंसर्न और इंटरेस्ट कौन रही लेटिंग देम हैव देयर वे ऑलवेज लेटिंग देम हैव देयर वे ऑलवेज सब ऑलवेज जो वार्ड टी देला ऑलवेज सब देदेबा ठीक हमने से राइट वे जाऊँ कि रंग वे जाऊँ एटे भी ऑप्शन को आम भूल करवा तापर देखिए दुईट क्वेश्चन बर्तमान दुईटा ऑप्शन पाइले आम गोटे चूज करने पड़ो। देखो फ्रेंड्स, मुझे जो ऑप्शन गुड़ी उत्तर गुड़ी संपूर्ण ठीक भी मुझे ये कहीपरिनी आपंकर निजे ट्राए करते निजर बुद्धि नलेज जो अच्छी जो आप राइट आंसर भावुंत मत मत कमेंट करें गोटे रिक्वेस्ट करी जो चैनल को सब्सक्राइब करना निश्चित भाव चैनल को सब्सक्राइब करेंगे कहीं आपर भिडियो आपके यथाशीघ्र पहुंची पड़ोर आप देखिए नॉट क्वेश्चन देयर एक्शंस गिविंग देयर प्रिफरेंस इन एक्टिविट प्रिफरेन्स दबा एक्टिविटीज यहाँ ठीक है क्वेश्चनिंग देयर एक्शंस एक्शन विषय में किसी क्वेश्चन करवा क्वेश्चन ना आम जाना कमी क्वेश्चन आम करवा ऑप्शन को आम भूल करवा और राइट आंसर आम करवा गिविंग देम प्रिफरेन्सेस इन एक्टिविटीज। ओके, गिविंग देम प्रिफरेन्स इन एक्टिविटीज आम यहाँ ही राइट आंसर करवापर आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी एम्पाथी इज द एबिलिटी टू एम्पाथी आम कहार एबिलिटी बुझा एम्पाथी एम्पाथी जदि आम कह जोटा कि आम संवेदनशीलता कौन से कौन थे समर्थ हवा उचित कौन थे समर्थ हम एम्पाथी कहींपर देखो ये देखिए फिल सरीफ अदर्स अन्य मानी निजे दुख अनुभव करवाटा कहीं लगू ना मत एटा हेली अंडरस्ट फिल एंड थिंक लाइक सामान अन्य भली चिंता और अनुभव करवा यहाँ ठीक हो पाए संवेदनशील आम अच्छा अंपाई अंडरस्टाण योर ओन सेल्फ ओन सेल्फ देखे गोटे ओन ओन कथा कहीदे ये आप नेगेट पॉइंट धरला रिजन ओथ योर सेल्फ एंड अदर्स रिजन ओथ योर सेल्फ एंड अदर्स एटा हम ना मत लगुच फिल एंड थिंग समान एल्स यहाँ ही राइट आंसर हम आपर राइट आंसर हम फिल एंड थिंग लाइक समान एल्स। आम जो नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन आपंकर अच्छी व्हिच ऑफ दिस आर नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव हेल्पर अर्थात जन इफेक्टिव हेल्पर हिसाब से क्यों गोटे लक्षण नुहे एटी आमको नर दे सब कोड वार्ड यूज करेंगे फ्रेंड्स जहाँफल कि आप प्रकृत अर्थटा जापरेंगे। ओके, तेणु कोड वार्ड आप फैसिलिटेटिंग बिहेवियर चेंज बिहेवियर फैसिलिटिंग बिहेवियर चेंज यदि नर कथा कही फैसिलिटिंग करवा यहाँ ठीक हो अर्थात ये आम उत्तर ये आप ठीक हे ना अर्थात तेणु यहाँ ऑप्शन टी भूल आम जब कह ऑप्शन टी भूल यहाँ जब आम कहपर दे हेल्पिंग इन डिसीजन मेकिंग हेल्प करवा कैरेक्टर दे नॉट द कैरेक्टरिस्टिक। ओके, डिसीजन मेकिंग हेल्प करा गोटे कैरेक्टरिस्टिक हेल्पर गोटे कैरेक्टरिस्टिक आम नबा ना सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स फॉर द इंडिविजुअल फैसिलिटेटिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ इमोशंस
ଫେସିଲିଟେଟ୍ କରିପାରିବା, ଗୋଟେ ଟିଚର ଜଣେ ଫେସିଲିଟେଟ୍, ଫେସିଲିଟେଟ୍ ୱାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ପଏଣ୍ଟ ଧରେଇବ, ଏଇଟା ବି ଠିକ୍ ହେଇଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ରହିବ, ସିଏ ଆମକୁ କହିଛି ନଟ୍ କଥା, ତାହେଲେ ଏ ଅପସନ୍ ହେବନି। ସଲଭିଂ ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଫର୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସଲ୍ଭ କରିଦେବା, ସେଇଟା ଆମକୁ ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ମୁଁ ଏନ୍ସର୍ ବୋଲି ଧରିବି ଆପଣଙ୍କର ନମ୍ବର ଥ୍ରୀଟିକୁ। ଓକେ, ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ନମ୍ବର ଫୋର୍କୁ। ନମ୍ବର ଫୋର୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଆମେ ଦେଖିନେବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिपे, नेक्स्ट क्वेश्चन द एबिलिटी ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ बीइंग एबल टू सी सिचुएशन फ्रॉम अनदर पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू इज नोन एज, अर्थात अन्य जनों को व्यू रे, अन्य जनों को माइंड रे आपण सिचुएशन को देखा को कौन कहा जाए, सिचुएशन देखिबार समर्थ को कौन कहा जाए, क्यों एबिलिटी कहा जाए, क्यों कॉन्फिडेंसी कहा जाए। जदि आम कह कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग गोटे ऑप्शन रही, सिंपैथेटिक बिहेवियर एवं पर्सपेक्टिव टेकिंग एंड रियलिटी टेस्टिंग, जदि चार ऑप्शन देखा देखो जो सिंपैथेटिक बिहेवियर एटा सिंपैथी देखा एटा ठीक रे आसीबो नै। आम कह जदि कॉन्फ्लिक्ट बी हैंडलिंग, कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग मीन्स आम गोटे ऑब्जर्व करूँ, मीन्स आम गोटे जो सिचुएशन को आम देखुं, जानूं, बुझुं, मानने नुह अन्य जन सिचुएशन आम बुझुं, अन्य जन अनदर पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू आम देखुं, आम निज पॉइंट ऑफ व्यू देखुं कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग आम कही पारा। तापर आप जो अच्छी रियलिटी टेस्टिंग कथा आम जो कौन, रियलिटी टेस्टिंगटा आपको हम ना, रियलिटी टेस्टिंग मीनस आप टेस्टिंगटा को आम रियलिटी कह, मैंने रियलिटी को आम टेस्टिंग करवा, यहाँ प्रकृत सत्य कि मिछ बोली ना, कि आम अन्य जनक व्यू को जीवा, अन्य जनक सिचुएशन को जीवा। किंतु जब पर्सपेक्टिव टेकिंग कथा आम कह, पर्सपेक्टिव टेकिंगटा आप गोटे राइट आंसर हो, कहीं अन्य सिचुएशन को आमको अन्य कथ आम भावक पड़े, अन्य सिचुएशन आमको रोक पड़े, अंर भ्यू कौन, अंर मत कौन, अंर चिंता कौन, अंर अभिव्यक्ति कौन, आमको यह सब दिग्क दृष्टि देवा पड़े पर्सपेक्टिव टेकिंग में। ना मोर एनसर मुझे तीन नंबर सहित जी पर्सपेक्टिव टेकिंग सहित। तापर जी नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिपे, नेक्स्ट क्वेश्चन रही, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सेंसिटिव टीचर, अर्थात सेनसीटिव टीचर जन सेनसीटिव संवेदनशील शिक्षक केउटी गोटे लक्षण, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर देचे उठे। ओके, तेल आम जब कह जेहतु एंड फेंड अच्छे से आर ये आपको वाटिदेला, तेज केउटी लक्षण, बीइंग हर्ट बाय क्रिटिसिज्म एंड एवालुएसन, अर्थात आपको क्रिटिसीजम करागले आप हर्ट हो रागिजे यहाँ कहीं लगू ना मतलब ठीक है भाया, तथापि मैं भूल कर रखुचे। बीइंग इन ट्यून टू नीड्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट्स, बीइंग इन ट्यून टू नीड्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट्स, अर्थात सब वाले ट्यून होकर रहा, सब वाले एक्टिव होकर रहा, जे कि नीड्स कौन रही, प्रॉब्लम कौन रही स्टूडेंट कर। तापर अच्छे बीइंग एबल टू मॉनिटर वनसेल्फ एंड अदर्स ऑल द टाइम, अर्थात निजक अन्य समस्त को मॉनिटर करने सब वाले समर्थ होता। देखो ये सब वाले कथा देखिए ऑल द टाइम देखिए ऑल द टाइम डाटा पूरा मैंने गोटे सब वाले गोटे नेगेटिव पॉइंट उपरे आसे, तथापि मुझे क्रॉस करुच्ची। बीइंग कॉन्शियस ऑफ वन्स ओन नीड्स, अर्थात सब वाले कॉन्शियस रहा ऑफ वन्स ओन नीड्स, जनकर निजर कौन रही आवश्यकता तरह कॉन्शियस रहा। देखो सब वाले कह स्टूडेंट कर सब वाले आम बीइंग इन ट्यून रहा, यहाँ हम परफेक्टिव लगुच मत एनसर टाइम रईट लगुच, जेकि नंबर बी सब वाले स्टूडेंट कथ जी कौन, स्टूडेंट कथ आवश्यकता प्रॉब्लम कौन, गोटे टीचर काम हो सब वाले से स्टूडेंट कथ ही चिंता कर, स्टूडेंटर आवश्यकता पूरण कर, स्टूडेंटर जहाँ जहाँ भी किसी बाकी रही जाए फुलफिलमेंट कर। तेणु आम ऑप्शन नंबर बी सहित आम जापर। तापर आम जा नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन आप रही देखीद, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रही, ए टीचर कैन पोर्ट्रे एंड डेफिक्ट द क्वालिटी ऑफ सेंसिटिविटी बाय, ओके डेफिक्ट ऑफ क्वालिटी ऑफ सेंसिटिविटी बाय एक्सप्रेसिंग आइडियाज एंड जजिंग अदर्स, टेकिंग ओपिनियंस ऑफ अदर्स, हैविंग द एबिलिटी टू वर्क विथ अदर्स, बीइंग अवेयर ऑफ फीलिंग्स एंड थॉट्स ऑफ अदर्स। मीन्स आपको देखते मुझे क्वेश्चन गुड़ी डिस्कसन करुच्चे आपं भलपाई मुझे करुँच कहीं यही क्वेश्चन ही आपंकर ओडिया आसूँ, आप ट्रांसलेट करूँ एवं बुझुं जिनसटा को जापर जिनसे क्वेश्चन एनसर कौन, मुझे डायरेक्ट आपको एनसर देना। देखते लिखा है टीचर कैन प्रोट्रे डेफिक्ट द क्वालिटी ऑफ सेंसिटिविटी बाय, जड़े शिक्षक सेंसिटिविटी क्वालिटी को संवेदनशीलता गुण को किपर चित्रण करपर पोर्ट्रे कर डेफिक्ट करें। जदि आम कह एक्सप्रेसिंग आइडियाज एंड जजिंग अदर्स, अर्थात निजर आइडिया को एक्सप्रेस करने अन्न जज करवा अन्न विचाराधीन करवा यहाँ ठीक हे ना लगुन जो यहाँ अप्सन ठीक रोक, कहीं जब सेनसीट कथ कौन चित्रण कथ कौन सेनसीटा कौ हिसाब से करेंगे फिलिंगस कथ आसमोशन आठ आइडियाज कथ आसूना कि आपंकर जजिंग कथ आसूना। तापर अच्छे टेकिंग ओपिनियंस ऑफ अदर, अन्य मत नब एटा भी आसूना। तापर हैविंग द एबिलिटी टू वर्क विथ अदर्स,
ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସେନ୍ସିଟିଭିଟି ନା ଏଇଟା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାଟା ଏଇଟା ଗ୍ରୁପିଂ ହେଇଯାଉଛି, ଏଇଟା ହସିବ ନାହିଁ, ବିଙ୍ଗ ଏୱାର ଅଫ୍ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆଣ୍ଡ ଥଟ୍ସ ଅଫ୍ ଅଦର୍ସ, ଅର୍ଥାତ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର ଅନ୍ୟର ଅନ୍ୟର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ କ'ଣ ରହିବା ଦରକାର, ଅନ୍ୟର ଚିନ୍ତା କ'ଣ ରହିବ, ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆଣ୍ଡ ଥଟ୍ସ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ୱାର୍ଡ଼ ଦେଉଛି, ଦୁଇଟା ୱାର୍ଡ଼ ଦେଉଛି, ସେଇଟା ପଜିଟିଭ୍ ଲାଗୁଛି ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ସହିତ, ତେଣୁ ଆମେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଫୋର୍ ସହିତ ଯାଇପାରିବା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, ଦ ସ୍କିଲ୍ ଅଫ୍ ଆଟେଣ୍ଟିଭ୍ ଲିସନିଂ ରିକ୍ୱାୟାର୍ସ ଏ ଟିଚର୍ ଟୁ ଆଟେଣ୍ଡ ଟୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ମିନ୍ସ ଯେଉଁ ଆଟେଣ୍ଟିଭ୍ ଲିସନିଂ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଅର୍ଥାତ ଯେଉଁ ଆପଣ ଧ୍ୟାନର ସହକାରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଦକ୍ଷତା ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣିବାର ଯେଉଁ ଦକ୍ଷତାଟା ଜଣେ ଶିକ୍ଷକକୁ, ଟୁ ଆଟେଣ୍ଡ ଟୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଅର୍ଥାତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପିଲାମାନଙ୍କ କତିର କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ବା କେଉଁଭଳି ଆଶା କରିବା ଦରକାର, ଯାହାଫଳରେ କି ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ଆବଶ୍ୟକତା କରିଥାନ୍ତି, ରିକ୍ୱାର୍ କରିଥାନ୍ତି ସ୍କିଲ୍ ଅଫ୍ ଆଟେଣ୍ଟିଭ୍ ଲିସନିଂକୁ। ଯଦି ଆମେ କହିବା ନନ୍ଭର୍ବାଲ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ସ, ନନ୍ଭର୍ବାଲ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆଟେଣ୍ଟିଭ୍ ଲିସନିଂକୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ଟିଭ୍ କରାଇଥାଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଙ୍କର, ବିହେଭିଅର୍ ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ସନ୍ ସେଟା ବି ମଧ୍ୟ ଲିସନିଂକୁ କରିଥାଏ, ଭାର୍ବାଲ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେନ୍ସ, କେବଳ ଭାର୍ବାଲ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେନ୍ସ ଆପଣ କହିପାରିବେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତ ଗୁଡ଼ିଏ ନେବା ଆମେ ଅଲ୍ ସହିତ ଅପସନ୍ ସହିତ ଆମେ ଯାଇପାରିବା। ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, ଟିଚର୍ସ ନିଡ଼୍ ଟୁ ଫୋଷ୍ଟର୍ ଆଣ୍ଡ ଫୋଷ୍ଟର୍ ଏ ପଜିଟିଭ୍ କ୍ଲାସରୁମ୍ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଫର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଟୁ ଫିଲ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ କ୍ଲାସରୁମ୍ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ପାଇଁ କ'ଣ ଫିଲ୍ କରାଇବା ଦରକାର, କ'ଣ ଅନୁଭବ କରାଇବା ଦରକାର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ, ସେଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଆସେପ୍ଟେଡ୍, ଆଇସୋଲେଟେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାଚଫୁଲ୍, ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଅନସିଓର, ସିକ୍ୟୁଲେଟେଡ୍ ଆଣ୍ଡ କସନ୍ସ। କସନ୍ସ କଥା ଆମେ କହିପାରିବାନି, କସନ୍ସ ଆମର ନେଗେଟିଭ୍ ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି, ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଭୁଲ ମାରିଦେବା। ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଅନସିଓର, ଅନସିଓର କହିବାଟା ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ, ଆଇସୋଲେଟେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାଚଫୁଲ୍, ସେଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଆସେପ୍ଟେଡ୍, ଆଇସୋଲେଟେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାଚଫୁଲ୍, ୱାଚଫୁଲ୍ ମିନ୍ସ ସେଠି ୱାଚଫୁଲ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରେଣ୍ଟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆଇସୋଲେଟେଡ୍ ଆସୁନି, ସେଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଆସେପ୍ଟେଡ୍ ହେଇଯିପାରିବ, ସେଇଟା ଅପସନ୍ଟି ଆମେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ସହିତ ଆମେ ଯାଇପାରିବା। ଓକେ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏଟା ଆମେ ଠିକ୍ କରିପାରିବା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି କି ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ କନ୍ଫ୍ଲିକ୍ଟ ଏମଙ୍ଗ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍, ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଭିତରେ କନ୍ଫ୍ଲିକ୍ଟ ହେଲେ, ହ୍ୱିଚ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ୱୁଡ୍ ୟୁ ଆପ୍ଲାଏ ଏଜ୍ ଏ ଟିଚର୍, ଆପଣ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ କେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଫ୍ୟାସିଲିଟେଟେଡ୍ ଡାଇଲଗ୍ ଏମଙ୍ଗ ଚିଲଡ୍ରେନ୍, ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ ଆପଣ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ଦେବେ, ରିଫର୍ ଦ ମ୍ୟାଟର୍ ଟୁ ଦ ସ୍କୁଲ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ, ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ କଥା ଆପଣ ସ୍କୁଲ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲକୁ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଏଟାକୁ ଭୁଲ କରିଦେବା, ୟୁଜର୍ ଅଥରିଟି ଆଣ୍ଡ ଡିସାଇଡ୍ ଦ ଇସ୍ୟୁ, ଅଥରିଟି ଆପଣଙ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିବେ ନା, ଏଟା ଠିକ୍ ହେବନି, ଲିଭ୍ ଦ ମ୍ୟାଟର୍ ଟୁ ରିଜଲ୍ଭ ଅନ୍ ଇଟ୍ସ ଓନ୍, ଆପଣ ଲିଭ୍ କରିଦେବେ ଯେ ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ସଲ୍ଭ କରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ କନ୍ଫ୍ଲିକ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ମାନେ ମିନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଇଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ଫ୍ୟାସିଲିଟେଟେଡ୍ ଡାଇଲଗ୍ ଏମଙ୍ଗ ଚିଲଡ୍ରେନ୍, ଗୋଟିଏ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣେଇବେ ଯାହାକି ସେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇପାରିବେ। ଓକେ, ଅଥରିଟି, ୟୁଜ୍ ୟୋର୍ ଅଥରିଟି ଆଣ୍ଡ ଡିସାଇଡ୍ ଦ ଇସ୍ୟୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ଏଠି ପଏଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଯେ ଆପଣ ଅଥରିଟି ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ଇସ୍ୟୁଟାକୁ ଡିସାଇଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦେବେ, ଏଟା ବି ହେଇପାରେ ଠିକ୍ ହେଇପାରେ, ଏଟା ଠିକ୍ ହେଇପାରେ, ଏଟା ବି ଡାଇଲଗ୍ ଡାଇଲଗ୍ଟାକୁ ହେବ ନାହିଁ, ଏଇ ଅପସନ୍ଟି ଆମେ ଠିକ୍ ନେଇପାରିବା, ୟୁଜ୍ ୟୋର୍ ଅଥରିଟି ଆଣ୍ଡ ଡିସାଇଡ୍ ଦ ଇସ୍ୟୁ, ଏଇ ଅପସନ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ହେଇପାରିବ। ଓକେ, ଆପଣ ନିଜର ଯେଉଁ ଅଥରିଟି ପାୱାର ଅଛି, ଆପଣ ଯେହେତୁ ଜଣେ ଟିଚର୍, ଆପଣ ତାକୁ ଡିସାଇଡ୍ କରିପାରିବେ ଇସ୍ୟୁଟାକୁ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବେ ଯେ କେମିତି କ'ଣ ହେଇପାରିବ କ'ଣ ନାହିଁ। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ କି କ୍ୱାଲିଟିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍କିଲ୍ସ ଅଫ୍ ଟିଚର୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ପ୍ରମୋଟ୍ କ୍ରିଏଟିଂ ହେଲ୍ଦି ଏନ୍ଭାଇରମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ସ୍କୁଲ୍ କ୍ଲାସରୁମ୍ ସାର୍, ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ୱାଲିଟିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍କିଲ୍ସ ଅଫ୍ ଟିଚର୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଗୁଣ ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ଯାହାକି ଗୋଟେ ହେଲ୍ଦି ଏନ୍ଭାଇରମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ଏବଂ ଶ୍ରେଣୀରେ କକ୍ଷରେ ହେଲ୍ଦି ଏନ୍ଭାଇରମେଣ୍ଟକୁ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣକୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିପାରିବ, କାହା କେଉଁ କ୍ୱାଲିଟି ଏବଂ ସ୍କିଲ୍ ଦ୍ୱାରା, ସେନ୍ସିଟିଭିଟି ଆଣ୍ଡ କେୟାର ଦ୍ୱାରା, ସେନ୍ସିଟିଭିଟି ଆଣ୍ଡ ଆପ୍ରିହେନ୍ସନ୍ ଦ୍ୱାରା, ସେନ୍ସିଟିଭିଟି ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଦ୍ୱାରା, ସିମ୍ପାଥି ଆଣ୍ଡ କେୟାର ଦ୍ୱାରା। ଆମେ ଯଦି ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ତିନିଟି ଯାକ ଅଛି, ତାପରେ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ନେଚର୍ଟା ରହିବା ଦରକାର ଆପଣଙ୍କର ଟିଚର୍ମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ତାହେଲେ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ହେଇଯିବ, ତିନୋଟି ଅପସନ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଅପସନ୍ଟି ଭୁଲ ହେଇଯିବ, ନମ୍ବର ଚାରି ଅପସନ୍ଟି ଭୁଲ କରିଦେବା ଆମେ, ଏଟାକୁ ଏଇ ଅପସନ୍ଟି ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଅଛି ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଆଣ୍ଡ କେୟାର, ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଆପ୍ରିହେନ୍ସନ୍, ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଆଣ୍ଡ କେୟାର, କେୟାରିଂଟି ରହିବା ଦରକାର, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ତ ଅଛି ଟିଚର୍ ମିନ୍ସ କି ଆପ୍ରିହେନ୍ସନ୍, କେୟାରଟି ରହିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦରକାର କ୍ୱାଲିଟିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍କିଲ୍ ପାଇଁ, ଆମକୁ କ୍ୱାଲିଟିଜ୍ ଏବଂ ସ୍କିଲ୍ କଥା ଆମକୁ ଦରକାର। ଓକେ, କ୍ୱାଲିଟି ଦରକାର, ଗୁଣାବଳୀ ଆମର ରହିବା ଦରକାର, ତେଣୁ କେୟାର ସହିତ ଆମେ ଯାଇପାରିବା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏକ ସହିତ। ତାପରେ ଏଇଟା ଆମର ଭୁଲ ହେଇଯିବ, ଏଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି କି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍